भिंड जिले में आई बाढ़ के बाद सैकड़ों गांव तबाह हो गए, तो वहीं बाढ़ को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। आज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भिंड जिले में पहुंचे, जहां उनके साथ पूर्व मंत्री गोविंद सिंह गोहद, विधायक मेवाराम जाटव और कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने परांचे, अजनार, गिरबासा के साथ कई बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। इसी बीच पूर्व मंत्री गोविंद सिंह के आवास लहार पर प्रेसवार्ता हुई। इसमें उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावित गांव में कई बाढ़ पीड़ितों को अभी भी मुआवजा या अन्य सहायता नहीं मिल पाई है। साथ ही उन्होंने प्रशासन को एक जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि डैम के एक गेट एक साथ खुलने से बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई और करोड़ों का नुकसान हुआ। यदि समय रहते प्रशासन ने सतर्कता दिखाई होती तो ऐसा कुछ नहीं होता, जिसकी पूर्व मुख्यमंत्री ने निंदा करते हुए कहा कि ये जाँच का विषय है। साथ में जो टार्पोलिन है, पन्नी है, तिरपाल है, जरूर तत्काल, लेकिन विभाग सोता रहा और एक साथ 12 के 12 गेट खोल दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना भी साफ। अब एक किस्सा सुनिए, शिवपुरी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान गिर गया, तो गया पटवारी जी के पास के साथ, मेरा प्रधानमंत्री गिर गया तो मुआवजा दिलाओ, यानी कि मुआवजा तेरे को थोड़ी मिलेगा, वो तो प्रधानमंत्री आवास योजना थी। तो हमने कहा भाई मोदी जी का खाता पता तो वहां जमा करवा देना, मुआवजा ले लो तो सही। भाजपा जो है उसका हाल ये है, मुंह पे राम बगल में छुरी, ये चेहरा है, जहरीली शराब को कौन आगे बढ़ा रहा है, जहरीली ऐसा है। महीने बने हुए हैं थाने से लेकर और मुख्यमंत्री तक, जिसमें अजीत भदौरिया भी शायद शामिल हो सकते हैं, जब उनके खुद के इलाके में जहरीली शराब बन रही है, पकड़ी जा रही है, तो क्या कहेंगे? जहरीली शराब का कानून, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं, लाए कहाँ वो?